रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। किरण, तुमने आर्यन की सगाई में मेरी इतनी मदद की तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थैंक यू गिफ्ट करूं। रोनी जी, मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसमें मेरा फायदा था। मुझे ना लोगों के सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना था और मेरा वो काम तो हो गया। लेकिन रोनी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गिफ्ट के बदले मुझसे कुछ मांगने आई हैं? मांगने? और मैं? मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जी रोनी जी, ये तो वक्त वक्त की बात है ना, कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज की जरूरत तो पड़ी जाती है। अच्छा, तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? जी मुझे लग रहा है कि आज सवेरे ज्योति जो आपके कार आई थी, ये उससे जुड़ी कोई बात है। और ना जी, मैंने तो गैस किया है। सही गैस किया। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ जी बताओ जी। ज्योति, मुझे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके खानदान की भी, जितना भी तुम जानती हो, छोटी से छोटी बात सब कुछ। मुझे कहीं इसलिए तो नहीं कि ज्योति का भाई बेकसूर है और उसे आपकी बेटी ने बेवजह झूठे केस में फंसा दिया है। और अब ज्योति के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसकी वजह से वो आप पर हावी हो गई है, ऐसे कुछ है ना? और ना जी, मुझे ये भी गैस किया है मैंने फिर से। मानना पड़ेगा, जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं तुम, स्मार्ट हो। अब वो बताओ जो मैंने तुमसे पूछा है। एक मिनट रोनी जी, ये मालकिन वाला रुआब आप आपके नौकरों को दिखाना, किरण मेरा को नहीं। रोनी जी, आपको क्या लगता है आपके इस शोपीस के लिए मैं इतनी बड़ी बात आपको ऐसे ऐसे बता दूंगी? और ना जी ना, इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे तो कुछ और चाहिए, ये नहीं। ये क्या किया तुमने? मुझे तोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ और जोड़ना है ना। आपकी बेटी और मेरे पुत्र का रिश्ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे एक मिनट, आप थोड़ा सोच लो। मुझे अभी अभी तो आप मेरे दिमाग की तारीफ कर रहे थे, तो फिर खराब कैसे हो सकता है? जी मेरा मुंडा ना बहुत ही ज्यादा वधिया है, और पूरे द्वारा घाट में ना मोस्ट वांटेड बैचलर है मेरा वरुण। उसे वांटेड नहीं, इलिजिबल कहते हैं। जी वही, मतबल समझ गए ना आप। मेरे वरुण का सर्विस रिकॉर्ड निकाल के देख लो, मेरे मुंडे का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ आपकी कुड़ी, उसका भी रिकॉर्ड है। दूसरों के मुंडों को फंसाने का और उल्टे सीधे इल्जाम लगाने का। तो ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी क्यों करना चाह रही हो तुम? जी सिंपल है, आपकी वजह से, आपके वड़े नाम की वजह से। जी सिंह परिवार को कौन नहीं जानता, वड़े वड़े लोगों में उठना बैठना है आपका, वही रुआब
और वही रुतबा मुझे भी चाहिए। यहाँ आना मेरी बड़ी गलती थी। मानसी पुत्र, वो पुत्र देख जरा कांच साफ करा देना, कहीं किसी को चुभ ना जाए। और किसी किसी को तो चुभ भी गए। हो गया सब ठीक? अब तो पेन नहीं हो रहा है ना? हैप्पी हाई फाइव। गुड बॉय। एक सेकेंड, अब आपके लिए कुछ सरप्राइज है। अच्छी लगती है ना चॉकलेट? खाना ओके? चल, गुड बॉय। बाय रोहित। बाय। ज्योति, तू खुद कितनी तकलीफ में है, बट फिर भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। मैं बस अपना काम कर रही हूँ करुणा। तो फिर वो काम भी कर दे जिससे जैकी रिहाई हो जाए। हाँ, शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है मैंने उन्हें, तब तक तो वेट करना चाहिए ना। हो सकता है वो वही करें जो सही है। सही की उम्मीद उन लोगों से लगाना बेवकूफी है ज्योति। वो लोग कोई उसूलों वाले लोग नहीं है, सिर्फ पैसा है उनके पास, जज्बात नहीं। इसीलिए ढील मत दे और सीधा जा जैको छुड़ाने के लिए कुछ कर। सीधा जा मेजर आर्यन के पास ज्योति। ठीक है, पर उससे पहले एक बार उन लोगों को याद दिला देती हूँ। मॉम, आप किरण आंटी को हाँ बोल दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी के लिए एक प्रॉब्लम तो टले, बाद में देख लेंगे क्या करना है। हेलो डॉक्टर ज्योति। हाय। आपके भाई के बारे में सुन के बुरा लगा। जब सच सामने आएगा तो और बुरा लगेगा। इट्स ओके, मुश्किल वक्त सबकी जिंदगी में आता है। ये मेजर आर्यन का लंच है। हाँ, हर दिन ऐसे ही पैकेट रखा, उनकी राह देखता है और फिर बेचारा शाम को ऐसे ही वापस चला जाता है। मेजर आर्यन बहुत बिजी है ना आजकल, खाने की तरफ देखते तक नहीं है। अब देखेंगे भी और खाएंगे भी। आप बस एक काम कीजिए, ये टिफिन खोल के उनके सामने रख दीजिए, उन्हें भूख भी लग जाएगी। अच्छा, आपको कैसे पता? बस पता है, कैसे पता है क्या फर्क पड़ता है। चलिए आप कहती हैं तो अभी लेके जाता हूँ, देखते हैं आपका आइडिया काम आता है कि नहीं आता। ज्योति, अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मेजर आर्यन को आपसे ज्यादा और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। डॉक्टर हूं मैं अपने सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पेशेंट हैं मेजर आर्यन आपके? डॉक्टर ज्योति लीजिए, आपके पेशेंट आपको बुला रहे हैं डॉक्टर ज्योति। बाय।
आपके यहाँ कुछ लगा है। कुछ लगा हुआ है, थोड़ा लेफ्ट। अब एक मिनट, आप फोन के कैमरा में देख लीजिए। ओके, मैं हूं यहां पे। क्या देख रहे हैं? मैं जा रही हूँ। वो तुम्हारी गैलरी के फोटोज खुल गए। सॉरी सॉरी, मैं तो सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। ये कैसे रह गई? फोन को भी अभी हैंग होना था। तो रहने दो ना, इतनी तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें एक पिक्चर से? I mean to say कि ये मेरी ऑफिस आज है, तो काफी काम है, कुछ काम है तो बताओ। अब हाँ, एक्चुअली वो डॉक्टर मैडम, क्या मैं अपने बेटे से कुछ देर बात कर सकती हूँ? अब मॉम, आप ये कब आई? आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं, है ना मिसेस सिंह? ठीक 5 बजे। ज्योति ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे चलना चाहिए। अब सॉरी आंटी, मैं मेजर आर्यन और उनकी बहन के बीच प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाह रही थी। मॉम, आप यहाँ ऐसे अचानक? बेटा, हमें जय के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेनी होगी। क्यों मॉम? कई सुबह ज्योति ने जो कहा, इस वजह से तो आप नहीं कह रही हैं? देखिए, अगर वो आपको ब्लैकमेल करे तो प्लीज आप मुझे बताइए। नहीं बेटा, उसने जो कुछ भी कहा, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। उसका परिवार अभी कोर्ट के झेलने की हालत में नहीं है, और वैसे भी उनका एक बेटा मर चुका है। तुझे पता है ना कि ज्योति का बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने खुद मुझे बताया कि मेरा एक भाई तो वैसे ही जा चुका है, और दूसरे की जान बचाना आपके हाथ में है। और अंतरा को तो तू जानता ही है, जैसे ही उसने सुना उसका दिल पिघल गया। बोली जय को तुरंत जेल से वापस निकलवाओ। तो बेटा, आप इस बात को यहीं जाने देते हैं, खत्म करते हैं। तू पुलिस स्टेशन जा और FIR वापस ले ले। पर मॉम, मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, पर मैं कर्मा में विश्वास रखती हूँ, और उस जय को तो उसके किए की सजा भगवान जरूर देंगे। लेकिन मैं इतनी पत्थर दिल नहीं
कि एक परिवार जो पहले से ही दुख मुसीबत झेल रहा है उनके लिए और परेशानियां बढ़ा दूं? तू मेरी बात मान और FIR वापस ले ले। हाँ अच्छा हुआ आप आ गए। मैं कैसे किया ये सब, मुझे तो लगा था मैं हफ्तों तक हवालात में ही सड़ूंगा। नहीं जय, ये सब मेजर आर्यन की वजह से हुआ है, उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। मतलब क्यों? मेजर आर्यन को तो लगता था कि मैं गुनेगार हूँ। वो तुम अब भी हो। इसलिए अपनी आजादी पे ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें दोबारा यहीं लाके खड़ा कर देगी। ये तो मेरी फैमिली का बड़प्पन है कि उन्होंने तुम्हारी फैमिली का दर्द समझा और मुझसे केस वापस लेने के लिए कहा। लेकिन अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखे ना जय कश्यप, तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। पर मेजर जय, इट्स ओके मेजर आर्यन, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि कभी भी आपके किसी भी फैमिली मेंबर के रास्ते में नहीं आएगा। ओह माय गॉड ज्योति, आर्यन की बातों से साफ साफ पता लग रहा है कि उन्हें किसी ने सच नहीं बताया। तूने एक काम कर, अभी की अभी जा और उस अंतरा की रिकॉर्डिंग आर्यन को दिखा दे, क्योंकि उन्हें ना इन सब ने यकीन दिला दिया कि वो लोग सब सही है और एहसान कर रहे हैं तुझ पर और तेरी फैमिली पे ये केस वापस लेके। आर्यन को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसकी बहन की असलियत क्या है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें उनकी फैमिली की सच्चाई बताने में। मैं बस चाहती थी कि जय रिहा हो जाए, तो हो गया है। दी लेकिन जय प्लीज, अब इस बात को ना यहीं खत्म करते हैं, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। करुणा तू जय को घर छोड़ दे, मुझे कुछ काम है, खत्म करके आती हूँ। चल पापा, पापा मेरे यकीन करो पापा, मेरी कोई गलती नहीं थी पापा, ये सब मेरे पे इंजाम लगा रहे हैं पापा। जय जय बेटा, मुझे विश्वास है तुझ पे, मैं जानता हूँ वो लोग गलत है, तेरी कोई गलती नहीं बेटा। वीना समझाओ इसे। अरे बेटा मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है तुझ पे, अपनी परवरिश पे विश्वास है बेटा। रो मत, नहीं रोते नहीं, रोते नहीं बेटा, नहीं नहीं रोते नहीं बेटा, शांत सब ठीक है। माँ पापा, ज्योति ने सभी दुकानदारों का सारा उधार चुका दिया है, मुझे अभी अभी सबका कॉल आया था थैंक यू बोलने के लिए। ज्योति यही तो करती है, ये प्रॉब्लम से डरती नहीं है और अपनों को हारने नहीं देती। ज्योति पर तुमने सारा उधार चुकाया कैसे? इस महीने जो किश्त के पैसे जमा किए थे उससे। क्या अब हम बैंक की किश्त कैसे चुकाएंगे? और पैसे नहीं है हमारे पास। जानती हूँ माँ, ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, पर बेघर होने से ज्यादा बेइज्जती हमारी इस बात से होती, जिन लोगों ने कभी हम पे भरोसा करके हमारी मदद की वो हम पे उंगलियां उठाए, ये सोचे कि हम उनके पैसे लेके भाग रहे हैं। ज्योति बेटा तू ठीक कह रही है, लेकिन बैंक की किश्तें कैसे चुकाएंगे? पापा उसके लिए हम बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, कई बार वो हालात देख के मोहलत दे देते हैं, पर अब हम सब साथ हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे इस वक्त कौन आया है? माँ मैं देखती हूँ।
सिन्हा अंकल, आप इस वक्त? और ये क्या चिपका रहे? आप लोगों ने इस महीने की ईएमआई चुकता नहीं किया है, इसलिए बैंक ने कानूनी तौर पर आपके घर पे कब्जा करके इसको नीलाम कर लिया। सिन्हा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरीके से कैसे कब्जा कर सकते हैं हमारे घर पे? थोड़ी मोहलत तो दीजिए, हम चुकता कर देंगे जो भी बकाया है। अच्छा एक काम करिए, आप अपने सीनियर मैनेजर से हमारी बात करवाइए, लगाइए फोन। राजेश जी, मुझे सीनियर मैनेजर साहब ने यहाँ भेजा है, मेरी बात मानिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो रूल्स के आगे कुछ नहीं सुनते। इसलिए अगर आपको इस घर में रहना है तो कल तक ईएमआई चुकता कर दीजिए, वरना परसों इस घर को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता।